समाज में आज हालात बेहद खराब हो रहे हैं। इस समय स्थिति ऐसी हो गई है जहां भी देखो दुष्कर्म की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। इसके लिए किसी एक को नहीं बल्कि पूरे समाज को शिक्षित और जागरूक होने की जरूरत है। वुमेन ऑफ विल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करवाए टॉक शो में पहुंची वक्ताओं ने यह बात कही। कार्यक्रम में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले विषय पर चर्चा करते हुए चिंता जताई गई। देखो हम कुछ कुछ क्या हर एक सोसाइटी में अपनी हर सोसाइटी में वुमेन, ये ज़रूरी नहीं है कि जो केसेस बाहर आ रहे हैं वही केसेस हैं। ये इतने ज़्यादा घर घर में हम कभी देखते हैं फादर बेटी के साथ रेप है, या कितने केसेस हम देखते हैं, कोई कोई ना कोई नज़दीकी रिलेटिव ही होता है मोस्टली 80% केसेस में जो कि कल्प्रेट होता है। तो इसको हमने जागरूकता बच्चों में और लेडीज़ में ये हमें करना है कि कोई भी अगर कोई आपको गलत लगता है कि कोई गलत टच है या कुछ है, उसको आप बच्चों में भी आप बढ़ावा दें कि छुपाना नहीं है बात को, सामने आए और खुल के अपने पेरेंट्स से बात करें। ये जो रोज़ रेप के जो रोज़ हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, रोज़ एवरी डे वी रीड अबाउट रेप हो रहा है छोटे बच्चों, इवन स्मॉल गर्ल्स स्मॉल चाइल्ड माइनर रेप्स हो रहे हैं, हमें इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें कोई ना कोई आवाज़ उठानी चाहिए, कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। बीइंग अ वुमेन दैट्स व्हाई वी आर हेयर टुडे टू एक्सप्लेन अबाउट कि ये सब क्यों हो रहा है। आई डोंट थिंक सो एनी पीपल फ्रॉम अ गुड फैमिली मैंने आज तक नहीं सुना होगा कि ऐसा कुछ करते हैं, बट आई थिंक द पीपल फ्रॉम लोअर बैकग्राउंड द लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी वो सब ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हैं, शेड्यूल कास्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। सो आई थिंक पेरेंट्स उनको कोई एजुकेशन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, उनको भी करना चाहिए कि इस तरह के क्रिमिनल एक्ट्स में वो ना पड़े।